पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अर्की निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी उपस्थित रहे। मंत्री ने बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान मंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश में हुई तबाही की भरपाई को लेकर जल्द राहत राशि प्रदान करे। मंत्री ने कहा कि आपने आज अर्की का दौरा किया और आपने बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले, संजय अवस्थी जी भी आपके साथ रहे, क्या कुछ निकला, कितना नुकसान हुआ अर्की के क्षेत्र में? देखिए, आज जो है या रिव्यू मीटिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो ये 9-10 की बारिश हुई थी और इतना बड़ा डिजास्टर जो है न केवल पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ था, उसके लिए जो है उनके लिए असेस करने के लिए हमारी ड्यूटी जो है और सीनियर साहब की वजीर की है, उनको यहाँ से बेहतर पता है। ये भी साथ है, सारे ऑफिसर जो है आज यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अभी ब्रीफिंग दी है। करीबन सारे डिपार्टमेंट्स मिला के करीबन केवल अर्की में, अर्की सब डिविजन में करीबन 92 करोड़ रुपये का जो है नुकसान अभी तक आंका गया है। नुकसान क्योंकि बारिश बेशक 9-10 को या 15-16-18 तारीख को हुई थी, परंतु उसके जो इफेक्ट हैं वो 5-7 दिन 10 दिन बाद जब धूप निकलती है तब भी आती है। तो हमने बोला कि पूरा अपना अपडेट कर दीजिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो ना छूटे कि उसको जो है सरकार की तरफ से मदद ना हो पाए। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का ये प्रयास है कि हर घर तक जो है रिलीफ के पैसे जो है हर घर तक पहुँचने चाहिए। और जो पुराना रिलीफ मैनुअल था उसमें जैसे पर बीघा 300 रुपये था कोई नुकसान हो गया एग्रीकल्चर का, अभी क्या है 5,000 रुपये वो खिचड़ी हो गया है। पर अलग अलग न्यू रिलीफ मैनुअल जो है वो जारी कर दिया गया, उसके अनुसार जो है अधिकारियों को बोला गया है कि सभी को उसको उसी गुस्से के अनुसार जो है कंपनसेशन जो है दिया जाए। देखिए ऐसा है, सरकार के पास पंचायत घर बनाने के लिए आज भी मैं तो बोलना चाहूँगा 47 करोड़ रुपये ऑलरेडी मात्रा था, और दिक्कत क्या है ज़मीन की दिक्कत होती है। अभी जो नई पंचायतें बनी है या तो कोई डोनेट कर दे लैंड, प्राइवेट लैंड डोनेट कर दे हम लोग उसमें बनाने के लिए, और नहीं तो जो है अगर फॉरेस्ट का है तो फॉरेस्ट केस बना के जब तक हम लोग पैसे तब तक रिलीज नहीं करते हैं। एक पोल जो है हवा में लटका हुआ है, नीचे से लैंड चली गई है, सेब लूट गया, सेब लूट गया। आप जो फील्ड आपका जो स्टाफ है ना उनको बोलो फील्ड में रहे और एक्चुअल एसेस करें, बैठ के कोई एसेसमेंट नहीं है। यू मस्ट गो टू द फील्ड, आप ये बैठ के आपने सिस्टम किया आपका लॉस ज़्यादा है, मैं भी कुछ गाँव और से मिला सकता हूँ। अब एक्चुअल रिपोर्ट लो फील्ड में, आप कुछ भी करो, आपके एक्शन को स्पेशल आप फील्ड में जो आपका फील्ड का स्टाफ है उससे फैक्चुअल पोजीशन आपको। सोलन से आपका फैसला के लिए ठाकुर ज्ञान सुमन की रिपोर्ट।